A heavy uniform plank of length L is supported by two forces, F1 and F2 at point distance, L by 8 and L by 4 from its ends as shown in the diagram. What is the ratio of F1 to F2? एक हमारे पास यूनिफॉर्म प्लैंक है जिसकी टोटल लेंथ हमें गिवन है L, और अगर ये यूनिफॉर्म है तो हर यूनिफॉर्म बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर पे होगा, मींस L by 2 डिस्टेंस दोनों एंड से, लेफ्ट एंड से भी ये डिस्टेंस L by 2 और राइट एंड से भी जो डिस्टेंस होगा ये L by 2. अब दो फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, एक F1 और एक F2. F1 का डिस्टेंस लेफ्ट एंड से L by 8 है और F2 का डिस्टेंस राइट एंड से L by 4. और हमें इन दोनों की रेशियो कैलकुलेट करनी है. तो रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है ये बैलेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो पॉइंट जो सेंटर हमारा है वो पिवट पॉइंट हो गया. तो दोनों फोर्सेस के मोमेंट आर्म को अगर मेंशन करना चाहें तो F1 का जो मोमेंट आर्म होगा वो X1 होगा, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और F2 का जो मोमेंट आर्म होगा वो X2. तो इफ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज जीरो, मींस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट सिस्टम बैलेंस है, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होंगे. एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क F1 की वजह से है, F1 इंटू मोमेंट आर्म X1, और क्लॉकवाइज F2 इंटू मोमेंट आर्म. अब X1 और X2 क्या है? X1 को कैलकुलेट करने के लिए हम L by 2 में से L by 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो जब हम L by 2 में से L by 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LCM लेने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 3L by 8 आएगा. और जो F2 डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करने के लिए X2 डिस्टेंस को हम L by 2 में से L by 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो L by 2 का हाफ होता है L by 4, तो L by 2 में से L by 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा L by 4. तो X1 और X2 दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई. सब्सटीट्यूट करें F1 इंटू 3L by 8 और F2 इंटू L by 4. राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में L कैंसिल हो जाएगा. राइट हैंड साइड पे 4 इंटू 2 8. रिजल्ट आया F1 इंटू 3 by 2 इज इक्वल टू F2. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो F1 रेशो F2 इज इक्वल टू 2 by 3. तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा.